हेलो गाइस, माय नेम इज लखन एंड आई लव नेचर। नेचर यानी प्रकृति। जब हम इस प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति रहस्यों से भरी हुई है। इसमें करोड़ों प्रकार के एनिमल्स, बर्ड्स और उनकी विशेषताएं मिलती हैं। अब आपके सामने जो आप ये देख रहे हो, इसका नाम है कस्तूरी। क्योंकि जब हम इन मृग्स की, हिरण्स की, डियर्स की बात करते हैं तो हमारे सामने जहन में इनकी एक अनमोल चीज आती है और वो है कस्तूरी। अब कस्तूरी मृग कौन से होते हैं, इसके बारे में एक स्पष्ट कोई पहचान नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो दंत वाला, जो एक दांत का जो मृग होता है ना, छोटा, जो पहाड़ी एरिया में ऊपर मिलता है, इनमें से कुछ एक ऐसे हिरण होते हैं जिसके शरीर में कस्तूरी होती है। अब बात आती है, हमने आज तक एक ही बात सुनी है कि कस्तूरी नाभि में होती है, लेकिन नहीं दोस्तों, कस्तूरी अंडकोश है हिरण का। यस, ये हिरण का अंडकोश है जिसके चारों तरफ बाल हैं, और जब वयस्क हो जाता है हिरण तो उसके उस अंडकोश से, यानी उस कस्तूरी के जो पार्ट है, उससे इतनी खुशबू आती है जो खुद हिरण, जो कस्तूरी वाला था, वो खुद नहीं समझ पाता कि ये खुशबू उसके अंदर से आ रही है, और वो इसकी खोज में और इसकी लालच में इधर से उधर दौड़ता रहता है। अब मैं बात करता हूँ इसकी कीमत की। तो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 100 ग्राम कस्तूरी की कीमत यदि हम डॉलर में करें तो $50,000। हाँ दोस्तों, $50,000, लगभग 3.5 करोड़ रुपए की 1 किलो कस्तूरी। अब हम इसके हिरण के जो पार्ट हैं उनकी बात करते हैं, तो ये अंडकोश है और ये बहुत ज़्यादा खुशबूदार है, और मात्र एक छोटी सी इच्छा के लिए इंसान इनको ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। भारत के जो पहाड़ी एरिया है, खासकर हिमालय के ऊपरी हिस्से में यह दुर्लभ जानवर मिलता है, जिसका आज तक हमने जो सुना है और पढ़ा है कि नाभि में कस्तूरी होती है, जबकि नहीं, इसकी गुदा के पास एक अंडकोश है, वही कस्तूरी का खजाना है। और वयस्क होने पर जब इसके अंडकोश पूरी तरह विकसित हो जाते हैं तब वो खुशबू आती है, और उस खुशबू की ललक में मादाएं आकर्षित होकर प्रजनन के लिए इन नरों के पीछे पीछे दौड़ती हैं। लेकिन ये उस खुशबू के पीछे, खुद नर जो है उस खुशबू की तलाश में इधर से उधर भटकता रहता है। दोस्तों, आपसे बीच में एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, यदि आप वाइल्ड एनिमल्स की वीडियो पसंद करते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वो भी फेसबुक पर।